हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये देखो सुबह सुबह आज भी आ गया है पागल। देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों एक ही साथ गेम खेल रहे थे। तीनों हमेशा इतना गेम खेलता है, इतना गेम खेलता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये मैन देखो, मैन देख, तू अपना मैन बचा, तू अपना कर, ये वो बहुत बोलता है। ये दोनों खेल लेता है, इसको खेलना नहीं आता, मगर ये मैन 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 सब कुछ पता है इसको, सब कुछ। बदमाश। मेरे को एक बात बताओ, जो लोग मास्क खोल के एकदम घूम रहे बेझिझक, अरे घर में हो मत पहनो, बाहर निकल रहे एटलीस्ट अभी भी पहनो। 1.5 साल हो गया, अभी आदत नहीं लगा क्या? जब से देख रहा हूँ किसी को कोई मास्क पहन के नहीं आता है, हॉस्पिटल में जाता हूँ तो एक बिना मतलब मास्क लगाए आ जाते हैं। यार कुछ लोग तो ऐसे हैं, लगाना ही नहीं है चाहे जितने भी डांट लो, और मास्क लगा के यहाँ पे लगा के रखना है, ये क्यों भाई? नहीं नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है भाई। मेरे को क्या, पूरे दुनिया को पसंद नहीं है? अगर लगवाना है तो ढंग से लगवाओ, नहीं लगवाना तो फिर मत आओ ना, भीड़ में मत आओ। तुम लोगों की वजह से हम लोगों को फैल जाता है ना, मत घुमा करो। क्या हुआ कि हॉस्पिटल में मैं शायद और 1 या 2 दिन ही जाऊंगा, फिर उसके बाद दिल्ली निकल जाऊंगा। मैं सोचा कि कुछ अच्छे से गिफ्ट करूंगा हॉस्पिटल को, मगर पता चला कि मतलब हॉस्पिटल में A to Z सब चीज़ ही है, तो गिफ्ट करने के लिए कुछ था नहीं। तो एकदम से स्ट्राइक किया कि मास्क का, कि लोग पहनते ही नहीं हैं। तो मैंने फिर इमरजेंसी वार्ड में कुछ 100 मास्क मैंने डोनेट किए, और उसके बाद जो डॉक्टर्स थे, जो लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प किया, उनको एक एक बॉक्स दिया। मतलब बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कि कभी मतलब कुछ बचपन में मतलब बड़ा होकर कभी याद आ जाए कि क्या किया था नहीं किया था। बस इतना ही और कुछ नहीं था। वैसे मास्क पहना करो यार, मास्क से आप अपने को भी सुरक्षित रखते हो और आपके आसपास भी सुरक्षित रहते हैं। तो मास्क को बिल्कुल इग्नोर मत करो। 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाला है, तो इसको तो आदत बना लो, आदत ही बना लो। और मास्क पहनने से बहुत सारा फायदा है, पॉल्यूशन, डस्ट, सब ये स्किन पे नहीं लगता आपको, तो आपका टैनिंग भी होने के कोई चांसेस नहीं है। सो मास्क पहन के रखो ना, आप लोग समझदार हो, फिर भी पता नहीं क्यों करते हो ऐसे। तो अभी आया हूँ चाची के घर पे खाना खाने। देखो मेरे लिए दाल बनाया, 2 अलग अलग टाइप के डिश बनाया, दीप आया है, विराट भी है। देखो ये फिश था, ये फिश ऐसे खाते, इसको बाटा माछ बोलते हैं। बाटा मतलब माछ हम इसको बोलते हैं जिसको फिश हम लोग बंगाली में माछ बोलते हैं। साथ में विराट भी बैठा हुआ है मेरा, ये परवल सामने रखा हुआ है। विराट खाना नहीं खा रहा था, इसको बोला कि मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा, तो वह जल्दी जल्दी खा के दिखा रहा है। वैसे नींद से उठ के आया ना, थोड़ा ऐसे दिख रहा है वो। हम लोग इस सीज़न में सारे ठंडे चीज़ अवॉइड कर रहे थे, मगर ये ज़िद करने लगा कि मेरे लिए ला के दो, तो मैंने इसको ला के दिया। और ये बोलता है कि मेरे को सब चाहिए, इधर मम्मी चाची सब खाना खा रही है, और ये चाची ये डाल रही है, सो इसको और भी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा खाता है, मतलब ये पीने में खाने में सबसे तेज़ है, मगर इसके बॉडी पर लगता नहीं है, पता नहीं क्यों। छोटा ही है, मगर इसके साथ मैंने कुछ BGMI क्या प्ले, मतलब ऐसे प्ले गेम खेलाए, जिसको बोलते हैं कि मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर, वो आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने सारे किल किए और कितने सारे मारे। अगर आपको अच्छा लगा तो वो वीडियो को भी देखना, इस वीडियो को बाद आएगा, वो वीडियो शाम तक आएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कल शाम को जो वीडियो बनाना था वो बना नहीं पाया, क्योंकि शाम को भी बारिश आ गई, और अभी भी देख सकते हो कि बूंदाबांदी बारिश हो जा रही है। इसके वजह से, बारिश की वजह से तो एकदम वीडियो बनाना ही बंद हो गया था, और ऊपर से चार्ज भी नहीं था, और अभी चार्ज आया। तो सुबह ये सब वीडियो बना रहा हूँ, बना के अभी अपलोड करूँगा, और आज अपलोड करने में लेट हो जाएगा, सो आपको ये ब्लॉग बहुत लेट आएगा, ये पहले बता देता हूँ, क्योंकि हालत थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। हर जगह पे देखो बादल छाया हुआ है और बारिश हो ही जा रही है। वीडियो को अगर आपको इतना सब अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और हो सके तो नया है तो सब्सक्राइब कर लो, नए नए चीज़ आते रहेगा। मगर इस वीडियो में बहुत ही कम आया है, क्योंकि एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हर शाम को बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जो आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड कल और परसों पूरा सफ़ेद हो गया था बारिश के वजह से। और अभी देखो जितने भी लोग आ रहे, सब ने देखो छाता लेके आ रहे, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई। ये देखो बाइक वाला तो गया और 2 साइकिल वाले आ रहे।